जिस तरीके से व्यवस्थित ग्रिड पैटर्न में बसा हुआ और सुविधाओं से परिपूर्ण लगता है, उसी को पूरे शहर में आने वाले समय में, और अमृत मिशन जो अभी नया है उसमें 2021 तक जो यहाँ का जो योजना बनी थी शहर विकास के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, उसमें अब नए स्टेप में कार्य हो रहा है। उसके अभी जैसे डिजिटल सर्वे और जो GIS सर्वे वगैरह चालू हो गया है, उसमें हमारे पास अधिकारी लोग आए, तो उसमें प्लानिंग हो रही है। वो आने वाले समय में 5 किलोमीटर का दायरा है वो कैसे समाहित होगा, और शहर है वो ज़्यादा व्यवस्थित खुल के, और जो बीच का जो शहर का जो भाग पहले 1930 के से 40 के बीच में जितना व्यवस्थित था, उसी तरीके से व्यवस्थित कैसे हम 2040 से 50 के बीच में इसको कर सकते हैं, इसके हिसाब से प्लानिंग चल रही है। तो सफीरा जी, वेल प्लान्ड शहर था तो आज नंबर 1 की दौड़ में नहीं है, या हम इसे कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक विजन सोचा है कि स्मार्ट सिटी बनानी है, क्या बीच में कुछ दिक्कतें हुई, कहीं कुछ जागरूकता की कमी है, या अड़चनें भी कुछ ना कुछ आती हैं, किस प्रकार की अड़चनें आप देखती हैं कि क्या अड़चनें आती हैं, चाहे कई बार फंड की दिक्कतें आ जाती हैं, कई बार जागरूकता की कमी आ जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, क्या दिक्कतें काम के दौरान महसूस हो रही है आपको, और क्या सहयोग आप जनता से चाहती हैं? जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री CM साहब की गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तर्ज पर हम लोगों ने भी गढ़बो नवा जगदलपुर की मंशा रखी है, और कहीं ना कहीं हम कामयाब भी हो रहे हैं इसमें। और जिस तरीके से हम गढ़बो नवा जगदलपुर शहर को बनाना चाहते हैं नए सिरे से, नए स्वरूप से, तो उसमें इसमें मेरा नहीं, हमारा, क्योंकि ये शहर हमारा है, और इसमें मैं जनता के सुझाव के साथ काम करना चाहती हूँ। इसमें हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ एक ऐप भी तैयार किया है, और जनता का बराबर सहयोग भी मिल रहा है। रहा सवाल फंड की बात है, तो CM साहब का बस्तर से, जगदलपुर शहर से एक अलग सा लगाव है। जब भी हमने उनसे जो भी मांग की है उन्हें तुरंत पूरा किया है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे जगदलपुर शहर में विकास कार्य थमे हैं ना थमेंगे, आगे भी होते रहेंगे। और जिस तरीके से जिला प्रशासन की टीम, पूरी प्रशासनिक टीम और हमारे शहरवासी की जो हमें साथ मिल रहा है, उसका मैं धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे जो नगर निगम के जो कमिश्नर है प्रेम कुमार पटेल जी, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया। तो मेरा मानना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में किसी शहर के लोगों ने इतना कॉपरेट नहीं किया होगा जितना हमारे जगदलपुर शहर के पूरे शहरवासियों ने पूरा कॉपरेट किया है। इवन हमारे मीडिया साथियों ने भी सिर्फ हमें कवरेज नहीं दिया है, कहीं ना कहीं हमारे सफाई अभियान में भी हमारा साथ दिया है। तो उन्हें मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूंगी। और इस तरीके से अगर इस तर्ज पे हम लोग काम करें, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग जगदलपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारा शहर गढ़बो नवा जगदलपुर बनकर रहेगा। पटेल साहब, गढ़बो नवा जगदलपुर की थीम तो आप लोगों ने रखी है, क्या इसमें सौंदर्यीकरण के तौर पे आगे बढ़ेंगे या स्मार्ट चीज़ें होंगी? स्मार्ट सिटी मतलब कि लोग स्मार्ट काम करें या स्मार्टली सारी चीज़ें हो जाए, चाहे बिजली बिल की बात हो, नालियों की, सड़कों की, या सुख सुविधाओं की बात कर ली जाए, ये तमाम चीज़ें कैसे स्मार्ट होंगी? उसके लिए क्या, जैसे मैडम ने बताया ऐप आप लोगों ने बनाया है, क्या आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर दिक्कतें आ रही हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे इन तमाम चीज़ों के सोच के साथ? जैसे कि ये स्मार्ट सिटी है, उसमें कॉन्सेप्चुअली देखा है तो डिजिटली स्मार्ट बेसिकली उसमें देखा जाता है। जैसे रायपुर शहर में मैं एक बार पूरा विजिट करने गया था, तो वहाँ पर जो ट्रैफिक है उसके लिए भी स्मार्ट करने के लिए उसमें CCTVs और उसके लिए पूरा एक सेंटर बना है। उसके अलावा वहाँ पर जो जितने भी टैक्स कलेक्शन होता है उसके लिए भी ऑनलाइन सुविधा हो गई है। नगर निगम की जैसे सुविधाओं के लिए, जैसे कि कोई भी चीज़ बुकिंग करनी होती है उसके लिए भी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को मतलब डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो सिमिलर तरीके से हमारे यहाँ भी हम लोग ने अभी जैसे कि शहर में अपने पुलिस विभाग से 40-50 जगह CCTV लगा है, और कहीं कहीं पर नहीं था, तो हम लोग जैसे बस स्टैंड में और दलपत सागर में हमने खुद CCTV लगवाया है। बाकी और भी जगह पे संजय मार्केट वगैरह में प्लानिंग है CCTV लगाने के लिए। साथ में जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है वो भी हम लोग ऑनलाइन करने वाले हैं। और ओवरऑल जब स्मार्ट सिटी की बात होती है तो संरचना जो होती है, जो आधारभूत संरचना पहले है, उसके साथ साथ पब्लिक के लिए जो डिजिटल जो मोड होता है जिसमें वो कोई भी चीज़ नगर निगम या सरकार की सेवा ले सकते हैं, साथ में कॉन्सेप्चुअल चेंज है।
कि भाई जो सिविक सेंस होता है और एक डेवलपमेंट के पीछे जो सहयोग होता है पब्लिक का वो भी रहता है। तो इसमें हम लोग जैसे जो आधारभूत संरचना में आप देखेंगे हम लोगों ने शुरुआत कर ली है, जैसे गीदम रोड का भी मजबूतीकरण चौड़ीकरण हुआ, उसके साथ में जो गीदम नाका से एक जो बाईपास है उसका भी मरम्मत कार्य चौड़ीकरण चल रहा है, वहाँ से पल्ली नाका तरफ भी रोड बन रही है, साथ में अभी तो दलपत सागर के किनारे 2 किलोमीटर रोड का भी चौड़ीकरण, और अभी इस चित्रकूट जाने के लिए रोड में डिवाइडर हो गया उसका भी वाइडनिंग का काम चल रहा है। आने वाले समय में ऐसे 4-5 और रोड है जिसका भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, साथ में जो चौराहे क्योंकि शहर चौराहों का शहर कहलाता है, तो आमागुड़ा चौक है जो रायपुर से आते हैं विशाखापट्टनम से आने वाला जो चौक है, और उसके अलावा समून चौक जो दलपत सागर के पास है उसको भी वाइडनिंग और ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है, और एक जो गुरु गोविंद सिंह चौक है जिसको कि जो सिख समाज के द्वारा उसको और डेवलप किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ बहुत अच्छी है क्योंकि बस्तर एरिया जो ट्राइबल एरिया स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, बच्चे लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमारे पास सिटी ग्राउंड, हाथा ग्राउंड, इंदिरा स्टेडियम और उसके अलावा फिर हमारे पास जो क्रीड़ा परिसर है वहाँ पर भी ये 4 ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट अच्छे से कर रहे हैं। हमारा स्विमिंग पूल भी बहुत अच्छा है जहाँ पर अभी कंपटीशन होने वाला है, साथ में दलपत सागर में कैनोइंग और कायकिंग जो कि वो इवेंट हमारा जो ओलंपिक इवेंट है उसका भी प्रशिक्षण हमने स्टार्ट कर दिया है, तो स्पोर्ट्स के लिए भी हम काफ़ी कर रहे हैं। साथ ही पार्किंग की सुविधा क्योंकि शहर में जैसे काफ़ी लोग आते हैं पढ़ यहाँ पर, तो पार्किंग के लिए इतवारी बाजार मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा डेवलप हो रही है। आने वाले समय में प्रतापगंज पारा में एक हमने 6 क्वार्टर जैसे वहाँ पर डिसमेंटल किए, वहाँ भी पार्किंग और कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। 36 क्वार्टर एक बड़ा सा क्वार्टर होता है तो वहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स और रिहायशी इलाका जैसे डेवलप करने का, ऐसे छोटे छोटे कई सारे प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। जैसा कि मैडम बताया गढ़बो नवा जगदलपुर में एक प्लान तरीके से क्या क्या लेना है उसके लिए पूरा स्टेप है, और कलेक्टर सर हैं और हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे सांसद विधायक सभी का उसमें प्रॉपर सहयोग मिल रहा है, और पुरानी चीज़ों को संरक्षण करने के लिए जैसा ये हेरिटेज सिटी है मैंने बताया 250 साल पुराना, तो हम लोगों ने प्रथम प्रोजेक्ट क्या लिया, जो पुराना पंप हाउस था लगभग 125 साल पुराना जो दलपत सागर के पास कुआं और पंप हाउस था उसको रीडेवलप करके बस्तर आर्ट गैलरी, पूरे बस्तर जो 7 जिलों के लोग आके वहाँ पर अपना आर्टिशन जो है वो अपना कला का जैसे वो सीख सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं और बाकी चीज़ें वो कर रहे हैं। उसके अलावा जो दंतेश्वरी मंदिर के सामने पुराना टाउन क्लब 1931 का और लाइब्रेरी जो 1933 का है उसको भी हमने अभी काम उसका स्टार्ट हो गया है। साथ में शहर में एक बहुत ही अच्छा आधुनिक लाइब्रेरी जो रायपुर में जो नालंदा परिसर के तर्ज और उससे ज्यादा वैरायटी हमारे पास है, वो भी स्मार्ट तरीके से डेवलप किया गया। क्या उसके पीछे सोच थी, वो कैसे काम कर रही है वो आपकी नालंदा जो यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, क्या फायदा दे रही है लोगों को, किस सोच के साथ आप लोगों ने इसे रखा है? लाला जगदलपुरी सबसे पहले तो हमारे जो स्थानीय जो हमारे मतलब सामान्य जो जन यहाँ नागरिक थे उनके नाम पे उसे दिया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। और उसमें विभिन्न प्रकार के ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें शायद मेरे ख्याल से कई लोग देख भी नहीं पाते थे, पढ़ना तो बहुत दूर की बात थी, उसका लाभ मिल रहा है। और अभी वो 24 घंटे चालू रहती है और उसमें कोचिंग की भी सुविधा दी गई है, और उसमें जो बच्चे कोचिंग के लिए बाहर जाते थे जिन्हें पीजी से लेकर आने जाने की असुविधा रहती थी उन्हें इसका लाभ भी मिल रहा है। और बहुत से मेरे ख्याल से मेंबर भी हमारे काफ़ी बढ़ रहे हैं, हमारे कमिश्नर साहब भी वहाँ के मेंबर हैं, फिलहाल अभी मैं नहीं बन पाई हूँ लेकिन शायद जल्द मैं भी उसमें एक मेंबरशिप लूँगी अपने। सिविल सर्विस की तैयारियों में भी मैंने भी कई जो रिजल्ट आए बच्चों से जब बात की तो उनका कहना था कि लाइब्रेरी में बैठकर वो पढ़ाई करते थे, दिन का ज़्यादा हिस्सा वहीं गुजारते थे, ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। कैसे इसे रिच कर रहे हैं और ज़्यादा किताबों से कैसे आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने की एक इच्छा या आदत जो कहा जाए नई जनरेशन में थोड़ी कम है, किताबों से थोड़ी दूरी बन गई, मोबाइल से ज़्यादा कनेक्टिविटी है, कैसे किताबों की ओर आकर्षित कर रहे हैं? उसमें जैसे आप जैसे सही बोल रहे हैं आज के बच्चे लोग डिजिटल ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोगों ने ऊपर में सेकेंड फर्स्ट फ्लोर में एक पूरा एक सेक्शन है लगभग 120 कंप्यूटर जो इंटरनेट फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है, तो बच्चे लोग वहाँ पर विकिपीडिया अदर जो जो वेबसाइट्स के माध्यम से ऑनलाइन जो लाइब्रेरी का भी लाभ ले रहे हैं, तो वो सुविधा हम लोगों ने दिया है। साथ में जैसे 24 घंटे पढ़ने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर बैठने की सुविधा है, 24 घंटे रेस्टोरेंट है, युवोदय अकेडमी में कोचिंग की फैसिलिटी है, इवन बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए जो हम लोगों ने टेरेस में पूरा बच्चों के लिए बाला आर्ट्स डेवलप किया है, साथ में जो ओल्ड पर्सनस आते हैं और बस्तर साहित्य के जो रिलेटेड लोगों को भी वहाँ पर पीछे मौका देर इस प्रकार से उसमें 4-5 कैटेगरी में उसको मतलब डेवलप किया। और कोरोना काल में भी बच्चे 24 घंटा पढ़ाई करते रहे, ये बहुत ही मतलब अच्छी एक सुविधा हम लोग निश्चित ही बस्तर के बच्चों को दे रहे हैं।
एक सवाल मेरे भी मन में है कि जनरली क्या होता है, महापौर और जो आयुक्त होते हैं एक कई बार सोच भी टकराती है आपस में। आप लोग क्या एक कैसे तैयार करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा गढ़बो नवा जगदलपुर स्मार्ट सिटी बनानी है, क्या प्रारूप तैयार करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं आप लोग? जी इसमें सही कहीं कहीं पर ये बात आती, लेकिन हमारे बीच में जब से आए, क्योंकि हम लोग जैसे, मैं खुद कहना चाहूँगा, हम लोग जैसे सिविल सर्विस में आना चाहते थे तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये जो लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति है वो डायरेक्ट है, अपनी बात को नहीं रख पाता है। अपनी बात को कैसे रखता है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। एक तो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और कुछ जो नहीं आ पाते हैं क्योंकि पद की सीमित संख्या है, तो जो नहीं चुने हुए भी कई अच्छे जनप्रतिनिधि होते हैं जो अपने जो जनता की बात रखते हैं। तो जो हमारी जो स्थानीय, जैसे बोलते हैं जो लोकतंत्र के तीन स्टेप हैं, जैसे अपना लोकसभा है, विधानसभा, और तीसरा जो है या तो पंचायत है या नगर निगम या नगर पंचायत है, तो वो जो एक जो पार्षद या महापौर होता है वो जनता को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग जो सिविल सर्वेंट्स जो में आए हैं वो हम लोग लोक सेवा, मतलब लोगों की सेवा के लिए आए हैं। तो जब दोनों में कोऑर्डिनेशन रहेगा तब उसका लक्ष्य जैसे सही से हो पाएगा। वो हमको पता है, हमको जब प्रशिक्षण जब हुआ था तो ये चीज़ बताई गई थी कि जो जनप्रतिनिधि होता है, हो सकता है कभी कोई चीज़ नहीं होने पाए, थोड़ा सा मतलब नाराज़गी व्यक्त करते हैं, लेकिन वो नाराज़गी उनकी नहीं होती है, वो जनता की होती है। और जनता को जब हम सेवा नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम लोक सेवक हैं, तभी वो नाराज़गी बढ़ती जाती है। तो जो दूरी बढ़ने का कारण क्या है कि जैसे भाई जनप्रतिनिधि कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपने लोगों की मांग है और हम कुछ और करना चाह रहे हैं, तो उसमें टकराहट होती है। तो हम एक्चुअल में दोनों चीज़ें लोक सेवक ही हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन होने से निश्चित ही लक्ष्य प्राप्ति में। और बड़ी अच्छी बात कही आपने कि दरअसल वो गुस्सा या नाराज़गी उनकी नहीं, आम लोगों की होती है जो कि बाहर निकलती। बहुत सही बात है, इसके लिए कम से कम जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात ये कोऑर्डिनेशन जो जगदलपुर के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी स्मार्ट सिटी हैं, रायपुर की बात होती है और दूसरे शहरों की, आपने चंडीगढ़ का भी जिक्र किया, लेकिन जगदलपुर की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान भी है। क्या स्मार्ट सिटी की दौड़ में जगदलपुर अपनी संस्कृति, अपनी कला जो कि उसकी विशेषता भी है, उससे भी सहेज कर आप लोग आगे बढ़ेंगे, या बिल्कुल नया जगदलपुर हो जाएगा तकनीक के साथ, लगे ना कि वो संस्कृति और वो कला, वो जो यहाँ की भोलापन, यहाँ की जो शालीनता है वो कहीं खो ना जाए, कैसे सहजते हुए आगे बढ़ेंगे? जगदलपुर की जो संस्कृति है ये अहम बात है, और हम अपने जगदलपुर की संस्कृति को बचाते हुए, संरक्षित रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे आयुक्त महोदय ने बताया कि प्लेग्राउंड खेल के लिए जो हमारा हाथा ग्राउंड तैयार हो रहा है, हमारा सिटी ग्राउंड तैयार हो रहा है, तो उसमें एक पुराना कुआं था, बहुत ऐतिहासिक कुआं था, लेकिन उसे कलेक्टर साहब, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे आयुक्त साहब और सभी लोगों ने मिलकर उसे सौंदर्यीकरण में लिया। मतलब हम जितने भी पुराने ऐसे जो बहुत सालों वर्षों के से बने हुए हैं उन्हें हम बचाते हुए, बल्कि उसे और संरक्षित करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। किसी को भी हम तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जहां जैसे कि दलपत सागर है, वो करीबन 360 एकड़ में फैला हुआ है और हमारे बस्तर जगदलपुर का ऐतिहासिक धरोहर भी है जिसे दलपत देव के नाम से जाना जाता था, तो हम लोग उसमें दलपत जी, देव जी की मूर्ति भी बनाना, स्थापित करने वाले हैं बहुत जल्दी। और बहुत अच्छी बात है कि बस्तर संभाग में हमारे पूरे जनप्रतिनिधि हमारे ही पार्टी के हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को बहुत सहयोग मिलता है। और हमारे जगदलपुर में जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी बहुत अच्छा योगदान है। कहीं हमें ये नहीं लगता है कि हम जनप्रतिनिधि या अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं, हम आपस में, हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सहयोग वाला बात है। और हम बस्तर की संस्कृति को बचाते हुए उसे एक पहचान के रूप में, क्योंकि बस्तर चाहे देश हो चाहे विदेश हो, बस्तर अपनी संस्कृति से जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो उसे हम संभाल के, संरक्षित रखकर ही काम करेंगे आगे भी। बिल्कुल, और मैं बता दूं हमारे अतिथि लखेश्वर बघेल जी यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत स्वागत करता हूँ आपका सर। और ख़ास तौर पे जल्दी जल्दी रायपुर से हमारे लिए ख़ास तौर पर पहुँचे हैं, बहुत व्यस्ततम समय में से समय निकाला, बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल और मैं आपसे करूँगा, क्योंकि निगम की हम बात करते हैं, यहाँ पर स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, गढ़बो नवा जगदलपुर की बात हो रही है, अब सड़कों पर भी हम देखते हैं कि ट्रैफिक की समस्या आपने बताया कि दूर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसके लिए क्या शहर में तोड़फोड़ हो रही है
या इसे एक्सपांड करने की भी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ये समस्याओं से निजात मिलेगी, क्योंकि ये समस्या कई बड़े शहरों की है जी। अभी तो जो प्रथम चरण में अभी किसी प्रकार से कहीं पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग करनी है, जो ऑलरेडी रोड है उसमें आप देखेंगे कि जो जगदलपुर की रोड में मतलब चौड़ाई ज़्यादा है और जो टारिंग या जो हार्ड सरफेस वो कम है, साइड में घास है, नालियाँ वगैरह टूट गई, तो हमारा जो पहला चरण है वो बेसिकली जो ऑलरेडी जो एक्चुअल में जो रोड है जो वॉल टू वॉल वहाँ तक उसको अभी जैसे गीदम रोड में किया गया, आगे चित्रकूट रोड में होगा, तो अभी वॉल टू वॉल जो एक्चुअल में है, क्योंकि जो अभी एक्चुअल में देखा है शहर का पॉपुलेशन है 150,000 से 175,000 के आसपास है, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है वो 2050 में 500,000 तक भी हो सकता है, उसके हिसाब से आने वाले समय में जो आसपास की 5 से 10 पंचायतें हैं जुड़ेंगी, तो उस एरिया में अपने को ज़्यादा वाइडनिंग के लिए जो फ्रेश जो एरिया है उसमें हम लोग सोच रहे हैं, बाकी अंदर में शहर में किसी प्रकार का भी कहीं पर हाँ कोई यदि अतिक्रमण कर दिया, जो बिल्डिंग लाइन होती है किसी भी शहर में एक कॉन्सेप्ट होता है एक बिल्डिंग लाइन है, बिल्डिंग लाइन के बाहर अस्थायी रूप से जैसे कुछ लोग व्यवसाय कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर स्थायी रूप से कोई करते हैं तो उसको हम लोग निश्चित ही हटाते हैं, बाकी अभी हम लोग का जो है वॉल टू वॉल जो है रोड हो जाए साथ में पाथवे। और जनता का कितना सहयोग मिलता है इस काम में, क्योंकि कई बार तनातनी की नौबत भी आती है। हाँ नहीं अभी तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जहाँ जहाँ काम की एक दो जगह दिक्कत आई थी लेकिन समझाया गया था, गीदम रोड में बात आई थी एक दो व्यक्ति को जैसे अपन एक्स्ट्रा उसको तोड़े थे, तो वो वहाँ पर हम लोगों ने सुलह करके जैसा भी बात करके समझा के, क्योंकि जैसे मेरा मानना है कि अगर आपका जैसे घर मान लो 1 मीटर आगे निकल गया है बाउंड्री आपकी, अगर हम वहाँ पर वाइडनिंग करते हैं नाली या रोड बनाते हैं तो आखिरी में जैसे क्या होगा कि सामने की गाड़ी खड़े करने की जगह उसी के बनेगी, अगर रोड चौड़ी करते हैं तो निश्चित ही उपयोग वो खुद करेगा, तो जो हम घर के जैसे बाउंड्री बना के अंदर पार्किंग करते थे तो आज के डेट में अगर आप थोड़ा 1 मीटर पीछे चले जाते हैं तो जो सामने की जगह खुल के आएगी वो आप ही के लिए है, ऐसा हम समझा के उसको लोगों को मनाकर कार्य करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि गढ़बो नवा जगदलपुर गढ़ने की कोशिश महापौर और आयुक्त जी कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं बंसल न्यूज़ की आप लोगों को।